रसमलाई होममेड रसमलाई एकदम रेडी है, एकदम होटल स्टाइल पे। हम थोड़ा सा इसमें गार्लिक के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और देखिए कितनी नाजवाब होटल स्टाइल पे हमने अपनी रसमलाई तैयार कर ली है। आज हम बना रहे हैं रसमलाई, जिसके लिए हमने ले लिया 1 लीटर दूध। और हम इसको आप बढ़िया करके फाड़ेंगे, इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, आपको दिखाते रहेंगे पूरी वीडियो में। एकदम सिंपल और होटल स्टाइल पे आपको रसमलाई एकदम घर पे बनाते हुए सिखाएंगे आज PTHEatables, पूरी वीडियो पर बने रहिएगा आप। अब हमारा दूध जो है वो खोल गया है, हम इस पर थोड़ा सा नींबू डालेंगे जिससे हमारा जो दूध है वो फट जाएगा। आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं इसमें फाड़ने के लिए दूध। अब हमने दूध फाड़ लिया और ये कपड़े में छान लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको बढ़िया करके हाथ से मिला के धो लेंगे, जिससे हमारा खट्टापन जो है वो हट जाए। अब हमने जो दूध फाड़ा है उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको बढ़िया करके मिक्स करेंगे। अब हमने हल्के हाथों से करते हुए इसको एक शेप दे दिया, आप भी रसमलाई का ऐसे करके शेप दे दिएगा। बनाते हैं हम अपनी रसमलाई के लिए चाशनी, जिसके लिए हमने थोड़ा पानी ले लिया और थोड़ा सा उसी की आधी चीनी ले लिया। अब हम छाछ बनाने के लिए थोड़ा सा इलायची का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारी चाशनी खोल गई है, हम इसमें अपनी रसमलाई डाल देंगे और इसमें बढ़िया करके रसमलाई में पानी चाशनी बनने देंगे। अब हम डाल रहे हैं अपने पैन में दूध, जिससे रसमलाई का और टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए दूध पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, हल्का हल्का दूध पाउडर डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। अब हमने इसमें डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा स्वाद बनाने के लिए पिसी हुई इलायची। अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्टी के हिसाब से चीनी का प्रयोग करेंगे। रसमलाई जो है अपने जो दूध का पेस्ट बनाया हमने इसमें डुबा देंगे और इसको 1 मिनट तक उमाल लें लो फ्लेम पे। हमारी रसमलाई होममेड रसमलाई एकदम रेडी है, एकदम होटल स्टाइल पे। हम थोड़ा सा इसमें गार्लिक के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे और देखिए कितनी नाजवाब होटल स्टाइल पे हमने अपनी रसमलाई तैयार कर ली है।